ओम शांति। 14 सितंबर के बाबा के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, जब तुम नंबरवार सतोप्रधान बनेंगे, तब ये नेचुरल कैलेमिटीज़ व विनाश का फोर्स बढ़ेगा और ये पुरानी दुनिया समाप्त होगी। प्रश्न: कौन सा पुरुषार्थ करने वालों को बाप का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? उत्तर: पूरा वर्षा लेना है तो पहले बाप को अपना वारिस बनाओ, अर्थात जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब बाप पर बलिहार करो। बाप को अपना बच्चा बना लो तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। दूसरा: संपूर्ण पवित्र बनो तब पूरा वर्षा मिलेगा। संपूर्ण पवित्र नहीं तो मोचरा खाकर थोड़ी सी मानी अर्थात रोटी मिल जाएगी। ओम शांति। बच्चों को सिर्फ एक की याद में नहीं बैठना है, तीन की याद में बैठना है। भल एक ही है परंतु तुम जानते हो वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। हम सबको वापस ले जाने आए हैं, यह नई बात तुम ही समझते हो। बच्चे जानते हैं वह जो भक्ति सिखाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वह सब है मनुष्य। इनको तो मनुष्य नहीं कहेंगे ना, ये तो है निराकार। निराकार आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, ये ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप की याद में बैठे हो। बेहद के बाप ने कहा है, रूहानी बच्चों, मुझे याद करो तो पाप कट जाएं। यहाँ शास्त्र आदि की कोई बात नहीं। जानते हो बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। कितना भारी टीचर है, ऊंचते ऊंच तो पद भी ऊंचते ऊंच प्राप्त कराते हैं। जब तुम सतो प्रधान बन जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तब फिर लड़ाई होगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। याद भी ज़रूर करना है, बुद्धि में सारा ज्ञान भी होना चाहिए। सिर्फ एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर समझाते हैं नई दुनिया के लिए। छोटे बच्चे भी बाप को याद करते हैं। तुम तो समझदार हो, जानते हो बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और बाप से ऊंच पद पाएंगे। ये भी जानते हो इन लक्ष्मी नारायण ने नई दुनिया में जो पद पाया है वह शिव बाबा से ही पाया है। ये लक्ष्मी नारायण ही फिर 84 का चक्र लगाकर अभी ब्रह्मा सरस्वती बने हैं, यही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुमको ज्ञान है। अब तुम अंधश्रद्धा से देवताओं के आगे माथा नहीं झुकाएंगे। देवताओं के आगे मनुष्य जाकर अपने को पतित सिद्ध करते हैं, कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो, हम पापी विकारी हैं, कोई गुण नहीं है। तुम जिनकी महिमा गाते थे अभी तुम स्वयं बन रहे हो। कहते हैं बाबा ये शास्त्र आदि कब से पढ़ना शुरू हुआ है? बाप कहते हैं जब से रावण राज्य शुरू हुआ है। ये सब है भक्ति की सामग्री। तुम जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में सारा ज्ञान धारण होना चाहिए। ये संस्कार आत्मा ले जाएगी। भक्ति के संस्कार नहीं जाने हैं। भक्ति के संस्कार वाले पुरानी दुनिया में मनुष्यों के पास ही जन्म लेंगे। ये भी ज़रूर है तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान का चक्र चलना चाहिए। साथ साथ बाबा को भी याद करना है। बाबा हमारा बाप भी है। बाप को याद किया तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा हमारा टीचर भी है तो पढ़ाई बुद्धि में आएगी और सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में है, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। याद की यात्रा चल रही है। ओम शांति। भक्ति और ज्ञान, बाप को कहा जाता है ज्ञान का सागर। उनको भक्ति का सारा मालूम है। भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी होगी, मनुष्यों को ये पता नहीं, बाप ही आकर समझाते हैं। सतयुग में तुम देवी देवता विश्व के मालिक थे, वहाँ भक्ति का नाम नहीं, एक भी मंदिर नहीं था, सब देवी देवता ही थे। पीछे जब आधी दुनिया पुरानी होती है,
यानी 2500 वर्ष पूरे होते हैं अथवा त्रेता और द्वापर का संगम होता है तब रावण आता है। संगम तो जरूर चाहिए। त्रेता और द्वापर के संगम पर रावण आते हैं जबकि देवी देवता वाम मार्ग में गिरते हैं। ये सिवाय तुम्हारे कोई नहीं जानते। बाप भी आते हैं कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर और रावण आता है त्रेता और द्वापर के संगम पर। अब उस संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, उनको तो अकल्याणकारी ही कहेंगे। बाप का ही नाम कल्याणकारी है। द्वापर से अकल्याणकारी युग शुरू होता है। बाप तो है चैतन्य बीज रूप, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। वह बीज भी अगर चैतन्य हो तो समझावे मेरे से ये झाड़ ऐसे निकलता है, परंतु जड़ होने कारण बता नहीं सकता। हम समझ सकते हैं कि बीज डालने से पहले झाड़ छोटा सा निकलता है, फिर बड़ा हो फल देना शुरू करता है, परंतु चैतन्य ही सब कुछ बता सकते हैं। दुनिया में तो आजकल मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं, चंद्रमा में जाने की कोशिश करते हैं। ये सब बातें अभी तुम सुन रहे हो। चंद्रमा तरफ कितना ऊंचा, लाखों माइल्स तक चले जाते हैं जांच करने के लिए कि देखें चंद्रमा क्या चीज़ है। समुद्र में कितना दूर तक जाते हैं जांच करते हैं, परंतु अंत पा नहीं सकते। पानी ही पानी है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, उन्हों को पेट्रोल इतना डालना है जो फिर वापस भी आ सकें। आकाश बेहद है ना, सागर भी बेहद है। जैसे ये बेहद का ज्ञान सागर है, वह है पानी का बेहद का सागर। आकाश तत्व भी बेहद है, धरती भी बेहद है। चलते जाओ, सागर के नीचे फिर धरती है। पहाड़ी किस पर खड़ी है? धरती पर। फिर धरती को खोदते हैं तो पहाड़ निकल आता, उसके नीचे फिर पानी भी निकल आता है। सागर भी धरनी पर है, उसका कोई अंत नहीं पा सकते हैं कि कहाँ तक पानी है कहाँ तक धरती है। परमपिता परमात्मा जो बेहद का बाप है, उनके लिए बेअंत नहीं कहेंगे। मनुष्य भल कहते हैं, ईश्वर बेअंत है, माया भी बेअंत है, परंतु तुम समझते हो ईश्वर तो बेअंत हो ही नहीं सकता। बाकी ये आकाश बेअंत है, ये पांच तत्व हैं, आकाश वायु जल पृथ्वी और धरती। ये पांच तत्व तमो प्रधान बन जाते हैं, आत्मा भी तमो प्रधान बनती है, फिर बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। कितनी छोटी आत्मा है, 84 जन्म भोगती है। ये चक्र फिरता ही रहता है, ये अनादि नाटक है, इनका अंत नहीं होता। ये परंपरा से चला आता है, कब से शुरू हुआ ये कहें तो फिर अंत भी हो। बाकी ये बात समझानी है, कब से नई दुनिया शुरू होती है फिर पुरानी होती है। ये 5000 वर्ष का चक्र है जो फिरता ही रहता है, अभी तुम जानते हो। बाकी उन्होंने तो धुक्का अर्थात गपोड़ा लगा दिया है। शास्त्रों में लिखा है कि सतयुग की आयु इतने लाखों वर्ष है, तो मनुष्य सुनते सुनते उनको ही सच समझ लेते हैं। ये पता नहीं पड़ता भगवान कब आकर अपना परिचय देंगे। न जानने के कारण कह देते हैं कलयुग की आयु 40,000 वर्ष अभी पड़ी है। जब तक तुम ना समझाओ, अभी तुम निमित हो समझाने के लिए कि कल्प 5000 वर्ष का है न कि लाखों वर्ष का है। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। मनुष्यों को पैसा होता है तो फिर खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको कितने पैसे देकर जाता हूँ। बेहद का बाप तो ज़रूर बेहद का वर्षा देंगे, इससे सुख भी मिलता है, आयु भी बड़ी होती है। बाप बच्चों को कहते हैं तुमको आयुष्मान बनाते हैं, तुम अमर बनेंगे, वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, वहाँ तुम बहुत सुखी रहते हो। इसलिए कहा जाता है
सुख धाम, आयु भी बड़ी होती है, धन भी बहुत मिलता है, सुखी भी बहुत रहते हो, कंगाल से सिरताज बन जाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है, बाप आते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने, वह तो जरूर छोटा झाड़ होगा, वहाँ है ही एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, उसको ही कहा जाता है विश्व में शांति, सारे विश्व में हम ही पाठधारी हैं, ये दुनिया नहीं जानती, अगर जानती हो तो बताए कब से हम पाठ बजाते आए हैं। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं, गीत में भी है ना, बाबा से जो मिलता है सो और कोई से नहीं मिलता, सारी पृथ्वी, आसमान, सारी विश्व की राजधानी दे देते हैं, ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, फिर बाद में जो राजाएं आदि होते हैं वे भारत के थे, गायन भी है जो बाबा देते हैं वह और कोई दे ना सके, बाप ही आकर प्राप्ति कराते हैं, तो ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को भी समझा सको इतना समझने का है, अब समझा कौन सकते हैं जो बंधन मुक्त हो। बाबा के पास जब कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, तो कहते 5 बच्चे अपने हैं और 6ठा बच्चा शिव बाबा है, तो ज़रूर सबसे बड़ा बच्चा ठहराना। शिव बाबा के बन गए तो फिर शिव बाबा अपना बच्चा बनाए विश्व का मालिक बना देते हैं, बच्चे वारिस हो जाते हैं, ये लक्ष्मी नारायण शिव बाबा के पूरे वारिस हैं, आगे जन्म में शिव बाबा को सब कुछ दे दिया, तो वर्षा ज़रूर बच्चों को मिलना चाहिए। बाबा ने कहा मुझे वारिस बनाओ, फिर दूसरा कोई नहीं, कहते बाबा ये सब कुछ आपका है, आपका फिर हमारा है, आप हमको सारे विश्व की बादशाही का वर्षा देते हो, क्योंकि तुमको जो कुछ था वह दे दिया, ड्रामा में नोंद है ना, अर्जुन को विनाश भी दिखाया तो चतुर्भुज भी दिखाया, अर्जुन कोई और तो नहीं है, इनको साक्षात्कार हुआ, देखा राजाई मिलती है तो क्यों ना शिव बाबा को वारिस बनाओ, वह फिर हमको वारिस बनाते हैं, ये सौदा तो बहुत अच्छा है, कभी कोई से कुछ पूछा नहीं, गुप्त सब कुछ दिया, इसको कहा जाता है गुप्त दान, किसको क्या पता इन्हों को क्या हो गया, किन्हों ने समझा इनको वैराग्य आया, शायद सन्यासी बन गया, तो ये बच्चियाँ भी कहती हैं 5 बच्चे तो अपने हैं, बाकी 1 बच्चा हम इनको बनाएंगे, इसने भी सब कुछ बाबा के आगे रख दिया, जिससे बहुतों की सर्विस हो, बाबा को देख सबको ख्याल आया, सब घर बार छोड़ भाग आए, वहाँ से ही हंगामा शुरू हुआ, घर बार छोड़ने की उन्होंने हिम्मत दिखाई, शास्त्रों में भी लिखा है भट्टी बनी थी, क्योंकि उन्हों को एकांत जरूर चाहिए, सिवाय बाप के और कोई याद न रहे, मित्र संबंधियों आदि की भी याद न रहे, क्योंकि आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन जरूर बनाना है, बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, इस पर ही मुसीबत आती है, कहते थे ये स्त्री पुरुष के बीच में झगड़ा डालने वाला ज्ञान है, क्योंकि एक पवित्र बने दूसरा न बने तो मारा मारी चल पड़े, इन सब ने मारें खाई हैं, क्योंकि अचानक नई बात हुई ना, सब आश्चर्य खाने लगे, ये क्या हुआ जो इतने सब भागते हैं, मनुष्यों में समझ तो नहीं है, इतना कहते थे कोई ताकत है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं जो अपना घर बार छोड़ भागे, ड्रामा में ये सब चरित्र शिव बाबा के हैं, कोई हाथ खाली भागे ये भी खेल है, घर बार आदि सब छोड़ भागे, कुछ भी याद नहीं रहा, बाकी सिर्फ ये शरीर है जिससे काम करना है, आत्मा को भी याद की यात्रा से पवित्र बनाना है, तब ही पवित्र आत्माएं वापस जा सकती हैं, स्वर्ग में अपवित्र आत्मा तो जा न सके, कायदा नहीं, मुक्तिधाम में पवित्र ही चाहिए, पवित्र बनने में ही कितने विघ्न पड़ते हैं,
आगे कोई सत्संग आदि में जाने के लिए रुकावट थोड़ी ही होती थी, कहीं भी चले जाते थे। यहाँ पवित्रता के कारण विघ्न पड़ते हैं, ये तो समझते हैं। पवित्र बनने भी कर वापिस घर जा ना सकें, धर्मराज द्वारा मोचरे अर्थात सजाएं खाने पड़ेंगे, फिर थोड़ी मानी मिलेगी। मोचरा नहीं खाएंगे तो पद भी अच्छा मिलेगा, ये समझ की बात है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों तुमको हमारे पास आना है, ये पुराना शरीर छोड़ पवित्र आत्मा बन जाना है। फिर जब पांच तत्व सतो प्रधान नए हो जाएंगे, तब तुमको शरीर नए सतो प्रधान मिलेंगे, सारे उथल पाथल हो नए बन जाएंगे। जैसे बाबा इनमें आकर बैठते हैं, वैसे आत्मा बिगर कोई तकलीफ गर्भ महल में जाकर बैठेगी। फिर जब समय होता है तो बाहर आ जाती है, तो जैसे बिजली चमक जाती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। ये सब ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्टी में रहना है। एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंधी याद न आए। दूसरी पॉइंट, बुद्धि में सारा ज्ञान रख बंधन मुक्त बन दूसरों की सर्विस करनी है। बाप से सच्चा सौदा करना है। जैसे बाप ने सब कुछ गुप्त किया, ऐसे गुप्त दान करना है। वरदान, निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण, सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता भाव और निर्माण भाव धारण करो, इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव करेंगे। सेवा में कभी थकावट नहीं होगी। कोई भी सेवा मिले लेकिन इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। ओम शांति।